सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्यामा शर्मा आज आपको आपकी जो कक्षा है कक्षा 7 उसमें जो आपकी सर्गम की पुस्तक है जो आपकी पाठ्य पुस्तक है सर्गम उसका अध्याय 4 कर्मवीर पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी प्रश्न संख्या 25 निकाल कर बैठिए। बच्चों, कर्मवीर एक कविता है और इसके रचयिता जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। इस कविता के माध्यम से बच्चों कवि हमसे वीरों के बारे में जो कर्मवीर हैं जो कि अपने कर्म को ही सबसे ज्यादा मानते हैं, कर्म यानी जो काम करते हैं उसको, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो कविता हम पढ़ते हैं और इसे मैं आपको समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। इन पंक्तियों का जो आशय है, जो अर्थ है, वो इस प्रकार है। कवि कहना चाह रहे हैं कि जो कर्मवीर हैं, जो कि अपने कर्म पर भी विश्वास रखते हैं, अपने कार्य को स्वयं करते हैं, वो उनके रास्ते में कितनी भी विभिन्न प्रकार की बाधाएं रुकावटें आ जाएं, लेकिन वो उसे नहीं घबराते। कैसे भी मुसीबत आ जाए उनको देखकर वो कभी नहीं घबराते और भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते। भाग्य के भरोसे बैठ करके हम लोग क्या करते हैं, भाग्य हमारे नसीब में तो यही था, हमारे भाग्य में यही था, ये सोच करके हम क्या करते हैं, पछताते रहते हैं। लेकिन कर्मवीर जो होते हैं वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते और ना ही कभी दुख देख करके पछताते हैं, क्योंकि वो अपना काम समय पर करते हैं, सही करते हैं। काम कितना ही कठिन हो, कितना ही कठिन कार्य क्यों ना हो, वो कभी भी उससे उबते नहीं हैं, उकताते नहीं हैं, अपना मन नहीं हटाते हैं, विचलित नहीं होते और भीड़ में कभी भी वो चंचलता नहीं दिखाते। कैसे रहते हैं, शांत गंभीर, अपने आप को गंभीर बनाए रखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी गंभीर, हो गए एक आन में उनके